मध्य प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और नौ तपे के दौरान दिन और रात दोनों ही असहनीय गर्मी का सामना कर रहे हैं। इस साल प्रदेश ने पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए तापमान 48.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मंगलवार को प्रदेश का निवाड़ी जिला सबसे गर्म रहा, जहां का अधिकतम तापमान 48.7 डिग्री दर्ज किया गया। इसके बाद दतिया में 48.4 डिग्री और रीवा में 48.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। खजुराहो, दमोह, अशोकनगर और ग्वालियर में भी तापमान इसी के आसपास रहा। बैतूल, धार, खंडवा, भोपाल, रतलाम, खरगोन, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया और निवाड़ी सहित प्रदेश के 27 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में 30 मई से और पश्चिमी राजस्थान में 31 मई से राहत मिलने की संभावना है। तीव्र हीटवेव के चलते राज्य में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी से बचने के लिए जरूरी टिप्स, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो पहले भरपूर खाना खाकर और पानी या किसी लिक्विड का सेवन करके निकलें। गर्मी से लौटने पर तुरंत ठंडी चीजों का सेवन न करें और तुरंत नहाने न जाएं, इससे तबीयत खराब हो सकती है। आम पन्ना, गन्ने का जूस, मौसम वाले फल और पानी का सेवन जरूर करें। प्रदेश के कई जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख जिलों का तापमान। भोपाल 45.1 डिग्री, इंदौर 41.1 डिग्री, खरगोन 44.0 डिग्री, पचमढ़ी 36.4 डिग्री, खंडवा 44.1 डिग्री, नर्मदापुरम 39.5 डिग्री, बैतूल 41.0 डिग्री, धार 41.1 डिग्री, गुना 46.4 डिग्री, ग्वालियर 47.6 डिग्री, दतिया 48.4 डिग्री, रायसेन 44.6 डिग्री, रतलाम 42.0 डिग्री, शिवपुरी 46.2 डिग्री, उज्जैन 41.6 डिग्री, छिंदवाड़ा 43.0 डिग्री, दमोह 46.5 डिग्री, जबलपुर 42.0 डिग्री, खजुराहो 48.0 डिग्री, मंडला 44.6 डिग्री, नरसिंहपुर 43.2 डिग्री, सतना 47.1 डिग्री, नौगांव 47.1 डिग्री, सागर 45.1 डिग्री, उमरिया 44.6 डिग्री, टीकमगढ़ 47.2 डिग्री, मलंजखंड 45.0 डिग्री, सिओनी 43.6 डिग्री, निवाड़ी 48.7 डिग्री, रीवा 48.2 डिग्री। तो दोस्तों, यह है मध्य प्रदेश की तपती हुई हकीकत। इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए जितना हो सके घर के अंदर रहें, खूब पानी पिएं और धूप से बचने की हर संभव कोशिश करें। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।